व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार और बड़ी प्यारी बात बोली गई है, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की जो शाम आप लोगों की जब ढलती है तो वो कुछ ना कुछ तजुर्बे देके जाती है। यानी कि हर सुबह जब आप लोगों के सामने आएगी तो वो आप लोगों के सामने पूरे 24 आवर लेकर आएगी, और जब आप लोग शाम को बिस्तर पर जाएंगे तो कैसे आप लोगों ने उनको यूटिलाइज किया है, क्या क्या आप लोगों ने उनसे सीख ली है, यही आप लोगों की डे बाय डे की जिंदगी चलती है। और यही जिंदगी आप लोगों की आगे चलकर आप लोगों को कहां पर पहुंचना है उसके बारे में एक रास्ता तैयार कर आप लोगों को देती है। अगर आप लोग इसके तजुर्बे से कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सही पैटर्न में आप लोग अपनी जिंदगी को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहीं पर ही बिखर जाते हैं। अब आप लोगों को यह देखना है कितने अच्छे से आप लोगों को अपने आप को संभालना है। देखिए जिंदगी में ना हर एक इंसान के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप लोग बहुत कंफर्ट जोन में एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, इसका मतलब यह आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिस दिन ये प्रोटेक्शन टूटेगा उस दिन आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए जिंदगी में अगर कोई दिक्कत आ रही है ना तो उसका सामना करो डटकर, उससे डर के नहीं भागना है। अगर आप लोग डर के भागोगे तो आप लोग अपने आप को टूटता हुआ महसूस पाओगे, हमेशा जिंदगी में अपने आप को कमजोर महसूस पाओगे। पर लेकिन उसका डटकर अगर सामना करोगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो क्यों ना हो, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग अपने आप को अंदर से मजबूत पाओगे। ठीक है, जिंदगी में अगर आप लोग चीजें इस तरीके से लेके चलते हैं कि कुछ भी हो जाए मतलब मैं अपनी जगह सही रहना है, यानी कि एक तरीके से आप लोग अगर अपने आप को यानी कि अपने अंदर अपनी इज्जत बनाना स्टार्ट कर दें, अपने नजरों में अपने आप को उठाना स्टार्ट कर दें, तो कॉन्फिडेंस अपने आप लोगों के अंदर आने लगेगा। पर लेकिन जब आप लोग खुद ही अपनी नजरों में अपनी इज्जत को गिराना स्टार्ट कर देंगे तो सामने वाला क्या इज्जत करेगा यार, आप लोग खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे। तो अपने आप को इज्जत दो, अपने आप को इतनी इज्जत दो कि सामने वाला कोई बाहर वाला अपने आप इज्जत देने लगेगा। जब आप लोग खुद अपनी रेस्पेक्ट करने लगोगे, आप लोग कुछ काम बोलते हो करने के लिए वो काम नहीं करते तो आप लोग फिर बोलते हो चलो कोई नहीं, नहीं हो तो क्या जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को पनिश करो अगर वो काम नहीं किया है। सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी में लेकर आओ और आप लोग की जिंदगी आप लोगों को इंप्रूव होती नजर आएगी। अगर आप लोगों ने अपने आप को खुद से पनिश करना स्टार्ट कर दिया तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को जिंदगी में, कोई आप लोगों को आकर पनिश करेगा, कोई आप लोगों को आकर दंड देगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने खुद इस पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो डे बाय डे आप लोग अपनी जिंदगी को सुधरता हुआ पाएंगे। तो ये बोला गया कि जब सुबह आए और जो शाम तक आप लोगों का जो दिन यूटिलाइज करे तो समझो उसको एक बार किस तरीके से आप लोगों की जिंदगी चल रही है। तो काफी कुछ नए नए सबक आप लोगों को देकर ये जिंदगी जाने वाली है, तो उसको अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में याद रखिएगा। आइए पहले एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोगों को जाकर मैप में निहारना है और फिर बताइएगा इसका आंसर, और वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर बताऊंगा। बात की जा रही है यहां पर कचिन हिल्स के बारे में, तो कहां पर ये लोकेटेड है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जब आप लोगों को बोलता हूं तो आसपास वाला एरिया भी जाकर निहार कीजिए। ठीक है, तो जो कचिन हिल कहां पर लोकेटेड है, रसिया, चाइना, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार, जिसको आप लोग बर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसमें से कोई सी कंट्री होगी जो बहुत ज्यादा न्यूज में है। अब बताइए कौन सी कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में, कई अलग अलग रीजन की वजह से, तो वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है यहां पर डिकेड, डिकेड मतलब होता है 10 साल। ठीक है, तो अभी डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं एक तरीके से उनके बारे में अगर बात करें, जिससे एज बढ़ती है उसके बारे में बात करें, तो हेल्दी एजिंग होनी चाहिए यानी कि एक तरीके से बीमारियां ना बढ़े। तो इसके चलते वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अगस्त 2020 में तो कितना टाइम पीरियड इसके लिए रखा, यानी कब से कब तक का है, यानी कि बोला गया 15 से 25 तक का, 19 से 29 तक का, 20 से लेकर 30 तक का, 21 से लेकर 31 तक का, यानी कि कौन सा डिकेड कहा गया कि जिसमें हेल्दी रहने की कोशिश लोगों को करनी है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा यहां पर ये काम किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। और कई बार इस तरह के क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, आंसर दे पाओगे आसानी से अगर ढंग से पैटर्न को फॉलो करके चलोगे। बाकी कंप्लीट डिस्कशन सुनने के बाद में आप लोगों को लगे यार इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, यहां पर मिल जाएगी। 1,39,000 लोग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जुड़े हुए, 1,39,000 यानी कि 1,39,000, तो आप लोग देखते हैं फायदा हो रहा होगा तो इसको जरूर देखिएगा जाकर, ताकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो इसके बारे में ये है बेसिकली टेलीग्राम। आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को यहां पर लिंक मिल जाता है, अगर आंसर राइटिंग आप लोग करनी है तो यहां पर आप लोग देखते हैं, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग जाकर, अगर आप लोग अभी की तैयारी कर रहे हैं इसी साल की तो आप आंसर राइटिंग मत करना, 20 दिन बचे हैं, प्रीलिम्स पर फोकस करो पूरा। पर लेकिन नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं फिर उसके आगे के लिए तो आप लोग यहां पर जरूर आंसर राइटिंग करिएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे,
काफी शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ आर्टिकल तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं, पर लेकिन उनकी जगह मैं आप लोगों से काफी कुछ नई नई चीजें रिविजन कराने वाला हूँ। जैसे कोरोना वायरस के बारे में अगर आर्टिकल के बारे में बात करें तो उसको यहाँ पर कोरोना वायरस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि कोरोना वायरस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कवर करूँ, जिससे आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस किस तरीके से फैल रहा है पूरे देश के अंदर, तो इसके बारे में अभी एक आर्टिकल भी आया था जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है यहां पर म्यू वेरिएंट के बारे में, तो ये इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने हरियाणा पीसीएस का पेपर देखा होगा तो वहां पर ही पूछा गया था, ये नाम भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया। SARS-CoV-2 है यहां पर, बेसिकली वायरस का नाम है, तो आप लोगों से पूछ लिया। तो यहां पर अगर पूछ ले आप लोगों से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इसके बारे में पूछ ले, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है इसके बारे में पूछ ले, तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर बन सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हैं। अभी यहां पर कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है जिसको MU इसी के साथ में C.1.2 यहां पर बोला गया, पर लेकिन बोला गया है INSACOG के द्वारा कि इंडिया में इनको डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर डेटा पॉइंट भी है और आर्टिकल भी है, तो इसको देखते हैं। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता है यहां पर, ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, यानी कि जहां पर भी ये कोरोना वायरस के जो नए नए नाम आप लोगों को बताए गए हैं, जितने भी यहां पर आप लोगों को ये नाम देखने को मिले, ये सारे किसके द्वारा दिए गए, ये याद रखना, ये सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने कहा था, देखिए आप लोगों को हमेशा मैं रिवीजन कराऊंगा काफी ज्यादा, तो आप लोग अपना पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हो। तो WHO बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड जो भी यूज है उनके बारे में बात करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में जब इसको बनाया गया, इसीलिए 7 अप्रैल को आप लोग यहां पर एक पर्टिकुलर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नाम याद आ रहा है उस डे का, चलिए बताइए, तब तक मैं इसको डिस्कस करता हूं, फिर डे का नाम भी बताऊंगा। ये सारी चीज छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको एस्टेब्लिश किया गया तो इसके नाम पर डे भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आप लोगों को जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और अभी जिस तरीके से आप लोगों से वर्ल्ड जैसे WTO का जो बेसिकली चेयरपर्सन है उसकी आप लोगों से अभी कई बार कई सारे एग्जाम में उसके चेयरपर्सन आप लोगों से पूछे गए, क्योंकि एक महिला पहली बार बनाई गई थी, तो 2-3 बार आप लोगों को बता चुका हूं, नीचे नाम लिखकर उसका रिविजन कीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इनके जो है यहां पर इनका नाम है यहां पर, अगर इनके पूछे यहां पर WHO के, तो इनको बोलते हैं बेसिकली टेड्रोस एडहमन। ठीक है, तो टेड्रोस एडहमन, तो यहां पर TA के नाम से याद रखेगा, ये डायरेक्टर जनरल है। WHO किसके अंडर में यहां पर आते हैं, ये आते हैं यहां पर यूनाइटेड नेशन, जो यहां पर इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अंदर WHO आप लोगों को नजर आते हैं। तो यहां पर जो ये डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिनका नाम है टेड्रोस एडहमन, ये इथियोपिया से निकल कर आते हैं, क्योंकि अभी जब WTO के डायरेक्टर जनरल का नाम आप लोगों से पूछा गया UPSC के अंदर भी, तो कंट्री का नाम आप लोगों से पूछ लिया, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, पर लेकिन आप लोगों को हर तरीके से तैयार रहना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करके चलनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है यहां पर, ये किसको किस डे में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखेगा। बाकी अगर बात करें यहां पर हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो यहां पर इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम इनके द्वारा चलाया गया, HIV से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए गए, जो भी यहां पर अभी अगर COVID-19 के बारे में बात करें उसके बारे में, TB को स्टॉप करना है तो मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल थे उसके अंदर TB को स्टॉप करने की बात की गई, और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाएंगे तो हेल्थ के बारे में जो भी बात की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब हेल्थ के बारे में बात करें तो ये तीसरे नंबर का गोल है। ठीक है, हेल्थ और वेलबींग के बारे में, तो अगर कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी का नाम आप लोगों से करे किसी भी चीज से रिलेटेड, तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंदर आता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। देखिए अभी रिसेंटली कई सारे यहां पर जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिले, ईटा हो गया, लोटा हो गया, कप्पा हो गया, जैसे कि इसी के साथ में लमडा, ठीक है, तो ये कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब मैंने आप लोगों से बात की यहां पर इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में जरूर याद रखिएगा, एक तो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है डेल्टा, ठीक है, और एक देखने को मिल रहा है कप्पा, तो ये दो तो इंडिया के अंदर देखने को मिले जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। सारे नाम दिए गए किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
अब कुछ बातें आप लोगों को ऐसी जानने को मिलेगी जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप लोग बताइए, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किसको आप लोग बोलेंगे, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने यहां पर बोला ना इंडिया का यहां पर ये, तो वेरिएंट इंटरेस्ट की जो यहां पर इंडिया का कप्पा, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आ गया। तो इसको अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे किसको, जो बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, काफी सीरियस एक तरीके से डिजीज फैलाता है और इम्यून सिस्टम से एस्केप हो जाता है, यानी कि बच जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी अगर गलत चीज एंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ में लड़ता है, पर लेकिन वो इम्यून सिस्टम को चकमा देकर अगर निकल जाए तो एक तरीके से वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ट्रांसमिट होने लगे, डिजीज को काफी सीवियर क्रिएट कर दे एक तरीके से, और उसकी जो है एक तरीके से इंसान की हालत खराब कर दे, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोलेंगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तो सुन लिया, फिर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, तो ये वेरिएंट ऑफ जो इंटरेस्ट है रिप्रेजेंट करता है लोअर लेवल ऑफ कंसर्न देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो ये अभी कम लेवल पर खतरनाक है, पर लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आ जाए तो उसी खतरनाक जो लेवल है वो बढ़ गया है, वो और ज्यादा बीमार करने वाला है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंक्रीज करता है और भी ज्यादा लार्ज स्केल पर ट्रांसमिशन उसका, और एक तरीके से यहां पर जो बात करें महामारी एक तरीके से फैलाने का काम करेगा काफी लार्ज स्केल पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार ये म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो म्यूटेशन होता है एक तरीके से जेनेटिक सीक्वेंस या फिर कॉपी करना आप लोग बोल सकते हैं वायरस, जब यहां पर तो म्यूटेशन बनने लगता है, तो यहां पर एक तरीके से कई तरीके म्यूटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जैसे कि पेरेंटल स्ट्रेन हो गया तो उसमें से क्या करेगा म्यूटेशन हो गया, उसके अंदर कुछ वेरिएंट आ गया तो आरएनए के अंदर चेंज हो गया तो एक अलग वेरिएंट निकल कर आ गया, फिर इसके अंदर कोई चेंज हो गया तो एक नया वेरिएंट निकल कर आ गया। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे देखने को मिलेंगे आप लोगों, दादा जैसे थे ऐसे उसके आप लोगों के पापा नहीं है, पापा जैसे हैं ऐसे आप लोग नहीं है, आप जैसे हैं आप लोगों के बच्चे ऐसे नहीं होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये सारा वेरिएंट आप लोगों को जो देखने को मिलता है तो ये यहां पर जो पैटर्न निकल कर आता है तो वे वेरिएशन होता है, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो इसी के चलते यहां पर अभी कोविड 19 के कई सारे वेरिएंट देखने को मिले, क्योंकि SARS-CoV-2 जो कि वायरस का नाम है, कोविड 19 बीमारी का नाम है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके बारे में भी। तो ये बेसिकली जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसको आरएनए बोलते हैं वायरस के अंदर, तो इसके अंदर म्यूटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो नए नए म्यूटेशन आते हैं, नए नए चेंज हो जाते हैं। तो आरएनए वायरस ओफन क्या करते हैं यहां पर एक तरीके से, ऐसा नहीं कि ये मजे मजे में करता है, कई बार गलती से भी दे आपको बोलूं कि एक फोटोकॉपी दे दूं मैं, ठीक है, और बोलूं कि यहां पर इसकी कई सारी फोटोकॉपी निकाल के लेकर आनी है, पता चला एक आधा भूल गए, पता चला एक आधे में डबल फोटोकॉपी कर दी, एक के ऊपर एक कर दिया। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है वायरस मिस्टेक की वजह से भी कई बार अपनी कॉपी बनाता है, तो वो एक पहले वाले से अलग नया वायरस बन जाता है। तो ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और म्यूटेशन क्या है, अब आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब आगे चलता हूं, छोटी सी और कुछ बातें यहां पर जानते हैं। अगर म्यूटेशन के और वेरिएंट के बारे में आप लोगों से पूछे तो जो म्यूटेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा चेंज होने की वजह से दिक्कत होती है, और यहां पर क्या होता है ये तो कुछ तो ऐड होता है वायरस के अंदर या फिर कुछ डिलीट होता है। म्यूटेशन का मतलब चेंज हो गया, अब चेंज में कुछ भी तो हो सकता है, आप प्लस भी बोल सकते हैं और माइनस भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इन्फ्लेशन के बारे में जब आप लोगों को पढ़ाया था तो 4 ± 2 बोला था ना, यानी कि 2 जोड़ दोगे तो 2 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा और 2 घटा दोगे एक तरीके से 2 हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन आप लोगों को 6 से लेकर 2 के बीच में कंट्रोल करना है। तो म्यूटेशन में जब आप लोग बात करेंगे यहां पर तो कुछ भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, सबट्रैक्ट भी हो सकता है वायरस के प्रोटीन में, तो ये आप लोगों को यहां पर कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर। इसी के सारे में बात करें तो वेरिएंट जो होता है वो क्रिएट किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन। जब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यूटेशन और वेरिएंट में कोई डिफरेंस पूछ ले तो वेरिएंट जो होता है जब कई सारी म्यूटेशन हो जाती है, 5 से लेकर 15 तक म्यूटेशन देखने को मिलती है, तो ये हो जाता है फिर क्या, ये हो जाता है आप लोगों का वेरिएंट, ठीक है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया और उसी के साथ में यहां पर वेरिएंट ऑफ जो इंटरेस्ट बताया, तो इसमें वेरिएंट शब्द कहां से निकल कर आया, अब ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यानी कि सबसे पहले चेंज देखने को मिलेगा म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद में आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलेगा, वही वेरिएंट फिर आगे चल के वेरिएंट जो इंटरेस्ट बनता है, और वही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो आगे चल के वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता है, जो कि फिर आगे महामारी फैलाने का काम करता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब जब वेरिएंट यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है तो एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ये तो ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा फैल रहा है उसका, ठीक है, काफी ज्यादा सीरियस इलनेस फैला रहा है, या फिर एक तरीके से जो इंसान की बॉडी में एंटीबॉडी होती है जो डेवलप होती है, ठीक है, जो यहां पर क्रिएट की जाती है बेसिकली बीमारी से लड़ने के लिए, उनको वो कुछ समझ ही नहीं रहा है, उनको एस्केप कर चुका है, तो तब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो वेरिएंट जो यहां पर बोला जा रहा है, वेरिएंट इज ऑफ इंटरेस्ट, एक तरीके से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम इंपैक्ट डालेगा, पर जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा, तो एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि ये ताकतवर होता है।
मतलब ये हो गया, अगर तीनों क्राइटेरिया में से कोई, अगर तीनों क्राइटेरिया फुल होंगे तभी उसको इंटरेस्ट बोलेंगे, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन अगर तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो इसका मतलब कंसर्न हो गया वो, यानी कि जरा सा भी कुछ हो गया तो कंसर्न की कैटेगरी में आ गया। अब वो दिक्कत फैला रहा है यहां पर। तो इंडिया के अंदर यहां पर B16171 और इसी के साथ में अगर बात करें B16172, तो ये दो वेरिएंट है। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, इनके नाम मत भूलना, ये हमारी कंट्री में B16172 और B16171। इसको कप्पा बोलते हैं और इसको डेल्टा बोलते हैं। ये हमारी कंट्री के हैं, हमारी कंट्री से निकले हैं। तो इस तरीके से अपनी कंट्री से रिलेटेड जो कंसर्न निकल के आ रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। तो अभी जो नया MU वेरिएंट आया है, ये फर्स्ट टाइम कोलंबिया में देखा गया जनवरी 2020 में, और अभी यहां पर 39 कंट्री में ये फैल चुका है। तो जो MU वेरिएंट यहां पर निकल कर आ रहा है, ये लार्ज आउटब्रेक देखने को मिल रहा है साउथ अमेरिका और यूरोप के अंदर भी। अभी इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि इंडिया के अंदर अभी ये देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर कोई भी ऐसी बातें कोई बताता है तो वो कौन बताता है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये है INSCOG। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिया SARS-CoV-2 यहां पर एक जेनोमिक कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, वेरिएंट के बारे में यही चेक करते हैं कि कौन कौन सा वेरिएंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगा इसके बारे में अगर पूछ ले आप लोगों से। कई सारे बच्चे पूछ भी रहते हैं, सर ये कंसर्न क्या है, म्यूटेशन क्या है, वेरिएंट क्या है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसको आप लोगों को बिल्कुल माइंड में क्लियर भी रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर निकल के आने वाला है, इसके चलते मैं आप लोगों से थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बातें करूंगा, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार एग्जाम में जो कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों से मैं पूछूं एजुकेशन के बारे में, तो कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग अपनी कंट्री का अब तक का एजुकेशन सिस्टम आप लोग देखोगे तो यह हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम। अब यहां पर एक नई एजुकेशन सिस्टम आ गया जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला एजुकेशन सिस्टम। ये वाला एजुकेशन सिस्टम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसको अलग तरीके से देखा गया और जो अब तक एजुकेशन सिस्टम चला था वो अलग तरीके से था, ठीक है। तो यहां पर 4-3-3 ये 5 का क्राइटेरिया अभी आप लोगों को देखने को मिला है। तो इस वाले एजुकेशन सिस्टम को न्यू एजुकेशन सिस्टम बोला गया है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पर लेकिन पहले पुराना तो समझिए जो अभी चल रहा है। हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप लोगों को डिवीजन होता हुआ नजर आएगा नॉर्मली तीन पार्ट में, तीन क्या चार बोल सकते हैं। पहला तो यहां पर एक तरीके से आप लोगों का ये हो गया प्री प्राइमरी लेवल, LKG UKG नर्सरी, वो सब जो चीजें आप लोगों की चलती हैं। फिर आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगा एलिमेंट्री लेवल जो आप लोगों का चलता है, ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए और 1 से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए होता है ये। तो अगर प्राइमरी के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली कहां से कहां तक था, तो यहां पर 1ली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक का, यानी कि एक तरीके से 6 एज से लेकर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं 11वीं तक का, ठीक है। 11 एज हो गई यहां पर, क्लास याद रख लीजिएगा 1 से लेकर 5 तक का। अपर प्राइमरी जो हो गया यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 6, 7 और 8, तीन क्लास अपर प्राइमरी में आ जाती है। जब नीचे जाते हैं आप लोग सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, तो यहां पर दो क्राइटेरिया सेकेंडरी एजुकेशन रहेगा जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली 9वीं और 10वीं, और फिर आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी 11वीं और 12वीं, ये और बाकी आगे चलकर हायर एजुकेशन हो जाती है। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से कंपलसरी एजुकेशन हमारी कंट्री में कहां पर देखने को मिलती है, तो वो आप लोगों को क्राइटेरिया यहां पर देखने को मिलेगा कंपलसरी एजुकेशन का। तो कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए बेसिकली प्रोवाइड कराई जा रही है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, और 1 से लेकर 8वीं क्लास तक का कंपलसरी एजुकेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कहां से निकल कर आया हमारे संविधान के बारे में, अगर कोई आप लोगों से बोलने लगे तो इसके बारे में याद रखिएगा, हमारे संविधान में बेसिकली अमेंडमेंट किया गया उसके बेस पर ये निकल कर आया। अब वो अमेंडमेंट क्या है उसके बारे में आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। हमारी कंट्री में जब राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर किया गया, यानी कि 86वां संविधान में संशोधन किया गया 2002 में। हमारी कंट्री अकेली नहीं थी यहां पर ये संविधान में संशोधन करने वाली, इससे पहले यहां पर कई सारी कंट्री कर चुकी थी, लगभग 134 कंट्री कर चुकी थी। हमारी कंट्री 135वें नंबर पर आई यहां पर, जिसके द्वारा यहां पर एक ये अमेंडमेंट किया गया ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। पर लेकिन 2000 में ही ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, आगे चलकर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, और उसके बाद में एजुकेशन प्रोवाइड कराना यहां पर स्टार्ट किया गया। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जैसी चीजें आती हैं ये आप लोगों को देखने को मिलने लगती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोग पार्ट थर्ड में जाएंगे संविधान के अंदर में, तो आप लोगों को वहां पर फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो इसके अंदर यहां पर आर्टिकल जो 21 है उसके अंदर डाला गया 21A के तहत कि राइट टू लाइफ वाले के तहत कि हम लोगों ने यहां पर राइट टू एजुकेशन भी बच्चों के लिए प्रोवाइड करा दी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ये आप लोगों से होंगे बेसिकली डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। तो डीपीएसपी के बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डीपीएसपी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे कि अगर आप लोग क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूजन न हो।
पार्ट फोर में जब संविधान में आएंगे तो आप लोगों को डीपीएसपी देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो यानी कि स्टेट की पॉलिसी के एक तरीके से डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल है यहां पर, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐसे हैं जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन उनके बारे में पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा जिनके बारे में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर रैंडमली मैं आप लोगों से पूछना स्टार्ट करूं, जैसे आर्टिकल 39 के बारे में आप लोगों से पूछ लूं, क्या है आर्टिकल 39, यहां पर बेसिकली ये बात करते हैं कि आज की डेट में आप लोगों को कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, अगर वेज प्रोवाइड करानी है तो इक्वल पे फॉर इक्वल वेज, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान है, मेल और फीमेल है, उनको इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, ये बात यहां पर बोली जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से सिटीजनशिप के लाइवलीहुड के बारे में यहां पर ये बात करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात अगर यहां पर बोली जाए, आर्टिकल 40 आप लोगों से बोल दूं यहां पर, तो आर्टिकल 40 के बारे में याद रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम जो हमारी कंट्री में निकाल कर लाया गया था, ये यहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, तो ये आर्टिकल 40 से निकाल कर लेकर आया गया, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना दो आर्टिकल में। आर्टिकल 39 किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसी तरीके से जब आर्टिकल 41 में आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क के बारे में, यानी कि राइट टू वर्क भी तो होना चाहिए, यानी कि इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। अगर कोई काम करता है, जितना काम मैं कर रहा हूं उतना ही काम अगर आप कर रहे हैं, तो आप लोगों को उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना मुझे मिल रहा है। पर लेकिन अगर बात करें राइट टू वर्क के बारे में, तो अगर इंसान को हक है उसको काम मिलने का, तो राइट टू वर्क का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में जो इंप्लीमेंट किया गया वो एमजी नरेगा के तहत यहां पर इंप्लीमेंट किया गया पहली बार, जो काफी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में लॉ बनाया गया था। तो राइट टू वर्क का कॉन्सेप्ट वहां से निकल कर आया। ठीक है, तो राइट टू वर्क या फिर टू एजुकेशन एक तरीके से भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि राइट टू एजुकेशन अगर डीपीएसपी में कोई आप लोगों से पूछे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं डीपीएसपी के अंदर राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछे, तो आर्टिकल 41 आप लोगों को याद रखना है, यहां पर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में मैटरनिटी जो बेसिकली मैटरनिटी लीव के लिए जो बिल लाया गया और उसको बढ़ाकर 26 वीक कर दिया गया था, आप लोगों को याद होगा। अगर पूछ लूं कौन से आर्टिकल से निकलकर यहां पर आता है मैटरनिटी जो फायदे पहुंचाए जाते हैं, तो याद रखना आर्टिकल 42, यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है और उस महिला को यहां पर मैटरनिटी लीव चाहिए, यानी कि एक तरीके से जब यहां पर बच्चा पैदा करने के लिए और उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए जो टाइम चाहिए, वो यहां पर कहां से निकल कर आता है, आर्टिकल 42 से निकल कर आता है हमारे संविधान के अंदर। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, अगर आप लोग एक लड़की है और आप लोग एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोग यहां पर बता रहा हूं ये सारी चीजें। देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग ना चीजें पढ़ तो लेते हैं पर लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग नहीं देखते उनको। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर आप लोग याद रखिएगा, ये आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 46 करता है यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ताकि उन जो भी सेक्शन है उसके बारे में बात की जाए, उनकी एजुकेशन, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें यहां पर प्रमोट की जा सके, जो खासकर वीकर सेक्शन है सोसाइटी का। तो ये सेक्शन 40, ये आर्टिकल 46 इसके बारे में बात करता है। अब जो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इस आर्टिकल के बारे में भी बात की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 48 के बारे में आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 48 आप लोगों को ये बोलता है कि प्रोहिबिट करना है जो गाय का मांस वगैरह बेचा जाता है, वो सारी चीजें, उनके बच्चों को जो मारा जाता है उनके बारे में बेसिकली बात करता है, उनकी ब्रीड की लाइफ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो यहां पर ऑलरेडी डीपीएसपी के अंदर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है यहां पर हमारे संविधान के अंदर, किस तरीके से आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिसेंटली, अभी भी अगर एग्जाम में आप लोगों ने उठाकर देखा होगा, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बात करते हैं यहां पर, सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो यहां पर कहां पर है, ये डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 50 देखने को मिलेगा, तो याद रखना 50-50 कर दिया दोनों को। ठीक है, अलग अलग कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक जो अभी पूछा गया था, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में याद रखिएगा, ये है बेसिकली आर्टिकल 51 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 51 किसके बारे में बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, तो इंडिया उसको कैसे लेकर चलेगा, आर्टिकल 51 के बारे में बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए यहां पर हमारी कंट्री में आप लोगों को बताएं, तो जो आर्टिकल अगर बात करें, आर्टिकल 86 जो अमेंडमेंट किया गया वो मैंने अभी आप लोगों को बताया, 86 किसके लिए था, यहां पर ये फंडामेंटल राइट में चेंज करने के लिए अमेंडमेंट किया गया, ताकि आर्टिकल 21 ए के तहत राइट टू एजुकेशन को आप लोग यहां पर ला सके। इसी तरीके से अगर बात करें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे और भी अमेंडमेंट यहां पर किए गए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो कई सारे जो अमेंडमेंट किए गए वो डीपीएसपी के अंदर भी देखने को मिले, जैसे कि 48 ए के अंदर जब आप लोग जाएंगे
तो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट के बारे में यहां पर बात की जाती है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली डीपीएसपी के बारे में, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं इनके बारे में, तो मुझे लगा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर क्वेश्चन बन जाए अब इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख सको। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और रह गया, आर्टिकल 44 आप लोगों को और बच गया, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इसके अंदर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप लोग का आएगा वो इसके अंदर आएगा, यानी कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जैसे कि अगर शादी हो रही है तो उससे रिलेटेड मैटर, अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उससे रिलेटेड मैटर एक तरीके के होने चाहिए। तो इसके ऊपर काफी लंबे समय से काम किया जा रहा है। गोवा एक लौता ऐसा राज्य है हमारे देश के अंदर में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया गया है अब तक का, उसका उदाहरण लेकर बोलते हैं कि और जगह भी इसको हम लोग को इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डीपीएसपी के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। अब एजुकेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। देखिए, नॉर्मल सिस्टम मैंने आप लोगों को समझा दिया, राइट टू एजुकेशन के बारे में बता दिया। अब यहां पर ये सिस्टम, इसको हटाकर हमारी कंट्री में ये वाला सिस्टम लाया जा रहा है, यानी कि यहां पर बोला जा रहा है कि 5+3+3+4, यानी कि इधर से आप लोग चलिए 5+3+3+4, ये सिस्टम है यहां पर। यानी कि अगर बात करें तो क्या होना है यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि यहां पर क्लास 1 और 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा एज 6-8 बोली गई यहां पर, या फिर आगे चलेंगे तो 3 ईयर का टाइम ड्यूरेशन दिया गया। तो टोटल 5 ईयर में इनके द्वारा क्या किया गया कि फाउंडेशनल स्टेज है यहां पर एक तरीके से, ठीक है, यानी कि बच्चों का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। फिर यहां पर एक तरीके से बोला गया प्रीपेडरी जो स्टेज है यहां पर प्ले वगैरह, डिस्कवरी वगैरह, एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, इंटरेक्ट कैसे करना है क्लासरूम में, वो देखने को मिलेगा। 3 साल मिडिल एज के दे दिए, लर्निंग साइंस मैथमेटिक्स आर्ट, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सेकेंडरी स्टेप पे आ जाएंगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, थिंकिंग फ्लेक्सिबिलिटी थिंकिंग के अंदर वो आनी चाहिए। तो एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट की जाएगी, ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा है ये चीजें आ रही है इनको रट लो और आगे लेकर चलो, तो वो वाला सिस्टम यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाले पैटर्न चेंज किए गए। तो इसके चलते हमारी कंट्री में अगर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 1986 में लाई गई थी, इससे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन इससे पहले भी आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिलेगी। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिली है बेसिकली दूसरे नंबर की, सबसे पहली आई थी यहां पर 1964 में। 1964 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई यहां पर, उस टाइम पर अगर बात करें 17 मेंबर का एक कमीशन बनाया गया था यहां पर, जो कि डीएस कोठारी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो यहां पर इसके बेस पर रिकमेंडेशन दी गई कि यहां पर अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आनी है। तो फिर 1968 के जो चेंज, 1964 को चेंज कर आगे फिर पॉलिसी लाएगी, बेसिकली फर्स्ट यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट करने को इसका कमीशन आया, तो फिर 1968 में चीजें आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। फिर आगे चलकर कब आई यहां पर, ये 1986 में यहां पर आई, हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट भी किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। और अभी तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है, यह है 2020 में जो भी प्रेजेंट की गई है। जो एजुकेशन है वो बेसिकली संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो जो संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पर जो सेंट्रल लिस्ट पहले स्टेट लिस्ट में होता था एजुकेशन, अब उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो अभी यहां पर जो राइटर है वो क्या बात कर रहे हैं, ये आप लोगों से एथिक्स के अंदर भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे। बोला ये गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अंदर सोशल और इमोशनल लर्निंग के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इमोशनली आप लोगों को कैसे बैलेंस करना है। आप लोग मान लीजिए कल को चलकर एक आईपीएस ऑफिसर बन गए या आईएएस ऑफिसर बन गए, आप लोग कहीं पर पहुंचे और वहां पर आप लोग को जाकर प्रॉब्लम को टैकल करना है, पता चला कोई रेल एक्सीडेंट हो गया, उसके नीचे दुनिया भर के लोग जाकर मर गए, ठीक है, मतलब कटकर मर गए। अब आप लोग जाकर क्या करें, आप लोग जाकर इतने इमोशनल हो गए, वहां जाकर खड़े होकर रोने लग गए, यानी कि सिचुएशन को संभालने के कंपेयर में आप लोग रोने लग गए वहां पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू शुड नो हाउ टू टैकल द इमोशनल, आप लोग की जो इमोशन है उसको टैकल करना चाहिए। तो इमोशनली इंटेलिजेंस होना चाहिए पर्सन, कहां पर इमोशन को यूज करना है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। फैमिली मैन मूवी आप लोगों ने देखी है, फैमिली मैन मतलब जो फैमिली मैन सीरीज है उसमें आप लोगों ने देखी है, श्रीकांत क्या करता है जब भी वो किसी टेररिस्ट से मिलता है, उससे अगर उसको कुछ निकलवाना होता है तो क्या बोलता है, उसको इमोशनल करने लगता है, कभी मां की कहानी सुनाने लगेगा कि मेरी मां ये हो गई थी वो, तो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि सामने वाले से अपनी बातें निकलवा लेना, एक तरीके से गुंडों के ऊपर इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आईपीएस आईएएस ऑफिसर आप लोग बन जाते हैं तो सामने वाले को किस तरीके टैकल करना है, एक तरीके से अपनी बातें कैसे मनवानी है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, ये आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें सोशल और इमोशनल लर्निंग, ये सिखानी चाहिए बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर
अंदर मेंशन भी किया गया है और अभी खासकर कोविड 19 के चलते काफी इंपोर्टेंट हो गई है। तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, कैसे मैनेज करना है इमोशंस को पता होना चाहिए और कैसे आप लोग उसको नेविगेट करना है वो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे तभी तो इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो जो पॉलिसी है यहाँ पर वो बेसिकली न्यूमरेसी आप लोग समझते हैं, लिटरेसी आप लोग समझते हैं, कम्युनिकेशन, कोलेबरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। पर लेकिन जब आती है यहाँ पर सोशल और इमोशनल लर्निंग के बारे में, ये चीजें हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसको बेसिकली फाउंडेशन के तरीके से लेकर चलना है ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चे जरा सी देर में इमोशनल हो जाते हैं, अगर उनको ढंग से चीजें सिखाई जाए, उनको समझाया जाए, तो एक तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को आने वाले टाइम के लिए उनको, ठीक है। कैसे एक हेल्दी रिलेशन बनाना है, कैसे सेल्फ और सोशल अवेयरनेस फैलानी है, इसी के साथ में सॉल्विंग प्रॉब्लम माइंड होना चाहिए, कैसे आप लोगों को यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना चाहिए। तो ये कई सारे लोग ना अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता है वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन बाय योरसेल्फ तो कैसे होगा, आप लोग समझिए कोई आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बना के निकल सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिसीजन कैसे लेने, आप लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आप लोग को इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों को काफी बड़ा हेल्प करेगी यहाँ पर, ये पर्टिकुलर ये कैपेबिलिटी है। यानी कि अगर बात करूं आप लोगों से कि अगर आप लोग ये एक बार सीख लेते हैं तो आप लोगों को ये सोशल और जो यहाँ पर इमोशनल लर्निंग, तो आप लोगों को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी आप लोगों की इनहेंस करेगी और एकेडमिक में भी आप लोग काफी कुछ देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी आप लोगों को ये सिखानी चाहिए। अब एक वर्ड यूज किया जाएगा यहाँ पर, सिंपैथी और एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस पूछूं तो ये आप लोगों का एथिक्स के अंदर पेपर 4 के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, सिंपैथी और एम्पैथी। तो एम्पैथी क्या होती है और सिंपैथी क्या होती है, मान लीजिए मुझे चोट लग गई और मेरा खून देखकर आप लोगों को रोना आ गया, ठीक है, कि हाँ यार सर को चोट लग गई, तो ये हो गई एक तरह से सिंपैथी। पर लेकिन रियलिटी में अगर कभी किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेम चोट लगी हो और वो फील भी कर रहा है कि यार ये दर्द होता है, मुझे पता है, मैंने फील किया है। उदाहरण के लिए देता हूं, एक पर्टिकुलर एक लड़की है वो एक बच्चे को जन्म दे रही है, एक माँ है एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो एक तरीके से वहां पर मैं उसको देखकर बोलू वाह यार कितना दर्द हो रहा है, मतलब कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो इस तरीके से तो क्या हो गई एक तरीके से ये मेरी सिंपैथी होगी, यानी कि मुझे उसका दर्द देखकर मुझे रोना आ रहा है कि यार कितना दर्द झेलना पड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। पर लेकिन अगर मतलब मैं भी एक औरत हूं, ठीक है, मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है और वो भी एक औरत है जो बच्चे को जन्म दे रही है, तो इसका मतलब ये कि मैंने वो दर्द खुद ने फील किया है, वो दर्द मैंने, तो इसका मतलब ये कि उसका दर्द मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, यानी कि जो चीज ऑलरेडी आप लोगों के साथ में हो चुकी है, आप लोग उस एक्सपीरियंस के बेस पर उसकी सेम फीलिंग अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं तो वो हो गया एम्पैथी। तो इसलिए एम्पैथी जो होती है वो ज्यादा डीप होती है एज कंपेयर टू सिंपैथी के कंपेयर में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सिंपैथी तो हो गया किसी को देखकर यार गरीब है बेचारा, उसको पैसे देते, सिंपैथी हो गया। एम्पैथी है कि हम भी एक टाइम पर इतने ही गरीब हुआ करते थे, उसकी गरीबी समझ रहे हैं कि वो कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया एम्पैथी, ठीक है। तो उसी लेवल पर जाकर अपने आप को उसी सिचुएशन में अपने आप को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों का फील करना, उसको ढंग से अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना और तब उसकी हेल्प करना। तो एक तरीके से ये होगी, दुख दोनों में होता है पर पहले वाले में उतना डीप दुख नहीं रहेगा आप लोगों सिंपैथी में। तो हाँ, बस आप लोग ये बोलेंगे कि सिंपैथाइज करना एक तरीके सामने वाले के लिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन, नॉलेज जो एक तरीके से बिलीफ है, रिकॉग्नाइज करना उन चीजों को। तो इनके बारे में आप लोगों से बेसिकली बच्चों को सिखाना चाहिए, ये बातें की जा रही है। रिसर्च इनके ऊपर कैसे की जाए कि एक तरीके रिसर्च करके कि स्टूडेंट को कैसे इनके बारे में सोशल स्किल और इमोशनल जो एक तरीके से रेगुलेशन करना है, ये सारी चीजें तभी कर पाएगा, तभी बंदा आगे चल के सक्सेस हो पाएगा। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में इनकैलकुलेट करनी पड़ेगी, उनको समझानी पड़ेगी। इनके बच्चों को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, कैसे कि पेंडेमिक आ गया, कई सारे बच्चों के माँ बाप चले गए, अब ये किसी के हाथ में तो है नहीं है, अब ये किस तरीके से उसको टैकल करना है। कई बार क्या होता है, इंसान का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, एक तरीके से वो ऐसा लगता है कि जिंदगी खराब हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये जैसे फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, थोड़ा टाइम दो अपने आपको, वो सारी चीजें नॉर्मल होती है, आप लोगों को नजर आएगी, आप लोग अपने आपको बिजी करना स्टार्ट कर दो। तो ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए स्कूल में, पर लेकिन ये चीजें कोई नहीं सिखाता है। पर पेंडेमिक ने मजबूर कर दिया कि ये चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कल को, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें रिमोट लर्निंग के बारे में, हम लोगों ने बात की, घरों में बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, तो पेरेंट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो भी बच्चों का क्या सोशल और इमोशनल बेसिकली लाइफ है उनके बारे में पेरेंट्स को भी फोकस देना चाहिए। देखिए, दो ही ऐसे इंसान हैं, एक तो हो गए पेरेंट्स जो कि इस काम पर बहुत, इस पर्टिकुलर एरिया पर बहुत काम कर सकते हैं, और दूसरे हो गए टीचर जो कि इसको टैकल करके चल सकते हैं। तो दोनों को इसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहिए ताकि इसको सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो कंफ्यूजन हो तो फिर बताएगा, उसको फिर से दूर कर दिया जाएगा। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस समझ में आया ना, तो ये तो कम से कम आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये बीआईटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बीआईटी क्या है, इसको बोलते हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या आप लोग समझ सकते हैं, बायलेटरल मतलब दो कंट्री के बीच में एक इन्वेस्टमेंट की ट्रीटी होगी। और ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कैसी होती है, मान लीजिए हमारे देश में कोई बाहर से व्यापार करने आ रहा है, तो उसके लिए ऐसा माहौल बनाना कि वो आसानी से व्यापार कर सके, उसको दिक्कत न झेलनी पड़े, तो ऐसी ट्रीटी यहां पर साइन की गई अलग अलग कंट्रीज के साथ में। पर लेकिन ये जो आर्टिकल है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बोला है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप लोग बात कर रहे हैं, इसमें अगर ह्यूमन कैपिटल भी आप लोग ऐड कर देते, ह्यूमन एंगल भी ऐड कर देते, किसी के साथ में गलत हो रहा है देश के अंदर में ह्यूमन के पॉइंट ऑफ से, यानी कि कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है, कंपनी के साथ में सही गलत हो रहा है, वो समझ में आता है। पर लेकिन अगर इंडिविजुअल इंसान के साथ में भी अगर जो सही गलत हो रहा है, अगर वो भी इसके अंदर ऐड कर देते एक ह्यूमन वाला कंटेंट भी, तो ये और ज्यादा अच्छे लेवल की बन जाती है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द शॉर्ट फॉल इन फॉरन इनफ्लो इन द इंडिया, अगर बात करें आप लोग यहां पर, तो देर इज ए नीड फॉर एडेप्शन फॉर ए मोर बैलेंस अप्रोच इन द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेडी। यानी कि बाहर से हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जो कमी है आजकल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो कमी नहीं हो, अच्छे से हम लोग चीजों को लेकर चल सके, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ पर बेसिकली बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर। तो इसको आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री के द्वारा साइन की जाती है अलग अलग कंट्री के द्वारा, और कई सारी कंट्री में आप लोग ऐसी चीज देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कोई कल को आके हमारे देश में व्यापार करे तो उसको ऐसा माहौल मिल सके कि वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी कंट्री के अंदर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जैसा अपने देश का वो कंपनी वाला कोई काम कर रहा है बिजनेस वाला ऐसे ही वे करेगा, ठीक है। अलाउ किया जाता है रिपैट्रिएट करने के लिए, जो प्रॉफिट होता है यानी कि जो प्रॉफिट कमाते हैं अपनी कंट्री में भेज सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी यहां पर एक तरीके से देखा जाता है, ठीक है, किस तरीके से यहां पर एक तरीके से अगर बात करें अपना आराम से काम कर सके, ठीक है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर अगर बात करें तो बेसिक माहौल यह रहता है कि एक तरीके से अलाउ किया जाए इन्वेस्टर टू ब्रिंग एक तरीके से केस अगेंस्ट द होस्ट स्टेट, यानी कि कल को चलकर उसको दिक्कत आ रही है तो वो हमारे देश के खिलाफ यहां पर क्या कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते सोवरन रेगुलेटर जो मेजर्स से लिए जाते हैं एक तरीके से कई कंट्री में देखने को मिलेगा, इसको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के साथ में कई बार इसको नहीं करते हैं, मान लीजिए सोचिए आप लोग एक मिनट के लिए, हमारे देश की जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी बाहर के अगर हमारे देश में कोई कंपनी है उसमें कोई दिक्कत होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोर्ट है वहां पर जाकर हमारे खिलाफ केस छेड़ सकती है, ठीक है। पर लेकिन अगर हम लोग ये बोल देते कि जो भी केस होगा वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाएगा, उससे फालतू नहीं जाएगा, तो यहां पर पहले वाले में तो ये रहेगा कंपनी कंफर्टेबल फील करेगी, कल कोई दिक्कत होती है तो इनके कोर्ट के अंदर नहीं, हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। पर बोल दे सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे तो इनको लगेगा यार अपने देश में ही तो बांध कर रख रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये मुद्दे आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया के अंदर जब यहां पर 1994 में पहली बार साइन किया गया था यहां पर यूके के साथ में, ठीक है, 86 के करीब ऐसे आज के में देखने को मिल रहा है, और लास्ट ब्राजील के साथ में देखने को मिला। एफडीआई इनफ्लो बढ़ा यहां पर हमारी कंट्री के अंदर, काफी लार्ज स्केल प्रायोरिटी दी गई। पर आगे चलकर हम लोगों ने इसको रिव्यू किया 2016 में, नई गवर्नमेंट आई तो मॉडल बीआईटीएस लाया गया, इसके अंदर बहुत सारी कंट्री के साथ में जो हमारी ये आज के में ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उनको हम लोगों ने हटाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे हम लोग अपनी कंट्री के अंदर कुछ करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर हमको घसीट सकते थे। इसलिए बोला गया कि इंडिया प्रोटेक्शन की अप्रोच लेकर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी कंट्री को प्रोटेक्शनिज्म की नीति को लेकर चल रहे थे, ये बोला गया इंडिया भी उसी पैटर्न पे चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यूनिलेटरली एक तरीके से टर्मिनेट किया गया 66 के करीब जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2016 से लेकर 19 तक का, तो इस धंधे से हम लोग बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। तो ये काफी बड़ी चीजें यहां पर देखने को मिली। बोला ये जाता है कि हमारी कंट्री की अप्रोच नैरो हो गई, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, अडॉप्ट कर लिया हाइब्रिड मॉडल, यानी कि एक तरीके से एसेट्स बेस्ड और एंटरप्राइज बेस्ड जो डेफिनेशन हम लोगों ने अलग अलग कर दी, जिससे कि अगर कोई आ रहा है यहां पर तो हमारे हिसाब से काम कर सके। तो राइटर यहां पर ये बोले कि यार ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, अगर कोई आप लोग देश के अंदर आ रहा है तो आप लोग इससे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लिबरलाइजेशन एफडीआई की पॉलिसी आप लोग लेकर आए तो उसको इतना माहौल तो दो बना के ताकि वो आप लोग कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, ग्लोबल कंपनी कंफर्टेबल फील करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, वरना क्या करेगा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर जाएगा, ठीक है। अभी इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो प्रोटेक्शनिज्म की नीति जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही कम इन्वेस्टमेंट आप लोग यहां पर आएगा। तो जो आप लोग बोलते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो फिर वो आप लोग को अच्छे से होती नजर नहीं आएगी, तो इसके ऊपर काम कर चलना चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर ये आर्टिकल है बेसिकली एक यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता है चीफ मिनिस्टर यहां पर चेंज हो गए पंजाब के अंदर, तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा तो पूछे जा सकता है, बस याद रखेगा यहां पर बेसिकली ये पर्टिकुलर पर्सन जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तो बोला यह गया कि फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के अंदर, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अब तक कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना था। नाम जरूर याद रखेगा, चिरंजीत जो सिंह जो चैनी, इनका नाम है चिरंजीत सिंह चैनी, ठीक है,
तो ये नए चीफ मिनिस्टर यहां पर बन गए हैं। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में जो भी बातें हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं, एक मिनट के अंदर बता देता हूं। चीफ मिनिस्टर जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर। अगर हमारी कंट्री में बात करें जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है स्टेट के लेवल पर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली एक तरीके से असिस्ट करता है यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में। और यहां पर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे गवर्नर, एडवोकेट जनरल यहां पर, और इसी के साथ में सिमिलर पैटर्न है जैसा प्राइम मिनिस्टर का देखने को मिलता है। स्टेट काउंसिल में जो मिनिस्टर होता है वो हेड किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताए थे यहां पर याद रखिएगा, आर्टिकल 163, 164, 167, यहां पर ये गवर्नर के बारे में बात करते हैं। कोई गवर्नर होगा स्टेट के अंदर में, जी हां, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी उसको एडवाइस करने के लिए। फिर यहां पर गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वो अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को। तो आर्टिकल 164 यही आर्टिकल यहां पर बोलता है जो मैंने ममता बनर्जी जी के बारे में बाई इलेक्शन के बारे में बात की थी कि आप लोग बेसिकली बाई इलेक्शन करवाइए यहां पर, और फिर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है यहां पर वो 6 महीने तक का बेसिकली वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आर्टिकल 164 का 4 ये बातें करता है। आर्टिकल 167 क्या बोलते हैं यहां पर, ये बेसिकली बात करता है कि चीफ मिनिस्टर जो है लिंक रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और गवर्नर के बीच में, ताकि एडवाइस कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आर्टिकल 164 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। कई सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं यहां पर, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर बेसिकली एक तरीके से क्या क्या काम करेगा यहां पर, गवर्नर किस तरीके से क्या क्या चीजें लेकर चलता है। तो गवर्नर जो भी यहां पर, तो गवर्नर अपॉइंटमेंट ओनली पर्सन मिनिस्टर जो एक तरीके से रिकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा, उनको अपॉइंट करेगा मिनिस्टर। पोर्टफोलियो किसको देने हैं वो यहां पर चीफ मिनिस्टर बताएगा, कौन 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 सा मिनिस्टर बनेगा। इसी के साथ में यहां पर बात करें, कोई कोलैप्स हो जाता है अगर चीफ मिनिस्टर जो है ऑफिस छोड़ दे, तो यहां पर कोलैप्स हो जाएगा जरा सीधे, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म, ठीक है। आर्टिकल 167 मैंने अभी आप लोगों को बताया दिया। तो इस तरीके से आगे चलकर अगर स्टेट के पीसीएस के अंदर कमीशन या फिर एडवोकेट जनरल, ये सबको अपॉइंट कैसे करना है, तो यहां पर गवर्नर चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर ये काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो मेजोरिटी होनी चाहिए इनकी यहां पर, तो अनाउंस करता है यहां पर फ्लोर के अंदर रिजोल्यूशन करना असेंबली को, तो ये काम करेगा गवर्नर को एक तरीके से रेजिग्नेशन देकर अपना, ठीक है। तो ये सारे काम चीफ मिनिस्टर के देखने को मिलते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहां पर, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ओके। अब यहां पर जो न्यूज लिस्ट वाला पोर्शन यहां पर देखेंगे, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिटेल में करूंगा, देखने में एडिटोरियल जैसा लगेगा क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बात की जा रही है ट्रिब्यूनल के बारे में और आसाम के बारे में और एनआरसी के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर अभी जो मेन पर्पज है यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रिब्यूनल को जो इंट्रोड्यूस किया गया, अपडेट किया गया, तो एनआरसी का बेसिकली देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कई सारी बातें जानेंगे। आसाम के अंदर जो भी इलीगल माइग्रेंट आए यहां पर, जब 1971 में वॉर हुई और बांग्लादेश नई कंट्री बनाया गया, तो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो काफी सारे लोग आए, तो उनको आसाम में काफी सारी जगह मिली, तो काफी सारी दिक्कत देखने को मिली। तो ये आप लोगों को पता है, पहले यहां पर इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला करते थे और इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला करते थे। तो यहां पर क्या हुआ, 1971 में जब यहां पर वॉर हुई, तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान बन गया। पर लेकिन बहुत सारे रिफ्यूजी हमारे देश में यहां पर ये बेसिकली एरिया क्रॉस कर कर आए। तो इस टाइम पर पर्टिकुलर अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बात करते हैं, जिसको एनआरसी बोलते हैं, ये याद रखिएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो था वो 1951 में यहां पर प्रिपेयर किया गया था, और उस टाइम पर जो सेंसस था यानी कि जनगणना थी 1951 की, जिसके बेस पर इसको बनाया गया था। एनआरसी जो है यहां पर ये बेसिकली पब्लिश किया गया वंस 1951 में, इसके बाद में फिर एनआरसी जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया ये यहां पर 1951 के सेंसस के बाद में। आगे चलकर आसाम के लिए चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो आसाम के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई इसको इंप्लीमेंट करने की 24th March 1971, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर यही डेट है कट ऑफ की, जिसके बेस पर यह बोला जाता है कि तब तक का अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां पर है तो उसको सिटीजनशिप आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद में तो फ्लड हो गए थे बहुत सारे लोग, यानी कि बांग्लादेश से दुनिया भर के लोग यहां पर आ गए थे, जिसकी वजह से दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिलने लगी थी। अब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रूफ करना है कि वो इंडियन सिटीजन है, बर्थ सर्टिफिकेट, एलआईसी का कोई पॉलिसी का, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लैंड कोई टेनेंसी का रिकॉर्ड हो, सिटीजन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया कोई लाइसेंस, बैंक या पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, अकाउंट वगैरह, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कोर्ट का कोई रिकॉर्ड हो, तो ये सारी चीजें में से कोई भी चीज अगर आप लोगों के पास में है, तो ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा एक तरीके से, तभी जाकर आप लोग यहां पर अंदर काउंट किया जाएगा एक तरीके से सिटीजन के पॉइंट पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कराया। आगे चलकर यहां पर आसाम के बारे में अगर पर्टिकुलर बात करूं, तो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर क्वेश्चन भी आप लोगों से ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर आसाम के अकॉर्ड साइन किया गया यहां पर ऑल इंडिया आसाम, जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। तो यहां पर ऑल आसाम ये गणा एक तरीके गणा संग्राम परिषद के बारे में बात करें यहां पर, ठीक है।
तो एक तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट देखने को मिला राजीव गांधी जी के टाइम पर। इन्होंने ये बोला कि 1951 से लेकर 1961 तक अगर कोई भी आया है यहाँ पर इंडिया के अंदर तो उसको फुल सिटीजनशिप दी जाएगी, पर लेकिन 1961 से लेकर 1971 तक अगर कोई आया तो उसको यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, बाकी का सिटीजनशिप उसको दी जाएगी, ये बात बोली गई। तो कई सारी ऐसे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। फिर आगे क्या हो गया, यहाँ पर इसके खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई एनजीओ, जो कि यहाँ पर बेसिकली आसाम पब्लिक वर्क, जिसके द्वारा डिमांड किया गया यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिपोर्ट किया जाए इलीगल जो बांग्लादेश में आ चुके हैं आसाम के अंदर, उनको निकालकर यहाँ से, और इनको किसी को भी वोटिंग राइट के नाम पर वोटिंग लिस्ट के नहीं अंदर होना चाहिए, इनका नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट करो। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास चीजें पहुंची 2009 में, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिसीजन दिया गया और फिर यहाँ पर एनआरसी को कंप्लीट करने की बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में ही एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 उसके हिसाब से यहाँ पर, इसी के साथ में सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन सिटीजन और इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से यहाँ पर फिर इसको अपडेट किया जा रहा है। ये दो बेसिकली क्राइटेरिया लेकर चल रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी ये पब्लिक किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर इसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है तो यहाँ पर अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो कहाँ जाता है ये, तो फॉरनर जो ट्रिब्यूनल के अंदर वो जाएगा। ट्रिब्यूनल जो होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था अभी दो दिन पहले भी, ठीक है। तो याद रखेगा कौन सा आर्टिकल है बताइए, कौन से दो आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो यहां पर बात करें तो अगर कोई एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है, ठीक है, उससे बाहर अगर कोई निकल जाता है उसके अंदर फिगर आउट नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं यहां पर फॉरेन ट्रिब्यूनल के अंदर में। तो दो बेसिकली पैटर्न फॉलो किया जाते हैं, तो यहां पर बेसिकली इनके द्वारा फॉरनर एक्ट 1946 में और फॉरनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर है 1964, इसके हिसाब से यहां पर हैंडल किया गया 19.06 यानी कि 19.06 लाख लोग जो थे वो एनआरसी से बाहर कर दिए गए, तो यहां पर इनको देखा गया। ये इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले भी यहां पर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, तो थोड़ा मैंने सोचा पढ़ा दूं डिटेल में। आसाम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखिएगा, ये बेसिकली यहां पर इसको देखकर चलती है कि कौन कौन इलीगल आ रहा है तो उसके बारे में ध्यान रखती है। अगर बात करें फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर कौन होंगे, तो यहां पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1984 का, इसके तहत गाइडलाइन दी गई कि कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर आसाम जुडिशरी का, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होना चाहिए, नोट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस कर सके एडवोकेट नोट लेस देन 35 ईयर, ठीक है, एक तरीके से नोट बिलो 35 ईयर और 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। तो ये बातें देखने को मिली। इसी के साथ में मेंबर को रिक्वायर होना चाहिए यहाँ पर आसामीज, बंगालीज और बोडो लैंग्वेज है ये होना चाहिए, तभी जाकर उसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आसाम के अंदर ये लैंग्वेज नहीं समझेगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एनसीआरबी के द्वारा, इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में 1.2 लाख लोगों की जो डेथ हुई है वो रोड एक्सीडेंट में हुई है। अभी हमारी कंट्री में पहले बोला गया था कि अगर 5 लाख लोगों की एक्सीडेंट हो रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, तो 1.2 लाख लोगों की तो जान यहां पर 2020 के अंदर भी गई। हिट और रन के केस देखने को मिले, जो मार के भाग जाते हैं, जो इसके तरीके से यहां पर ये काफी 1.35 लाख आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सारा डेटा कौन बता रहा है, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये सारा डेटा प्रस्तुत किया गया है, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, 1986 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आती है। नेशनल पुलिस कमीशन और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की टैक्स फोर्स आई, उसके बाद में इसको बनाया गया, और क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, कंफ्यूज मत होना। पब्लिश की गई थी यहाँ पर 1953 से लेकर और अब तक चीजें पब्लिश की जाती हैं, जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोडो लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को 2-3 चीजें बताई, थोड़ा सा और यहाँ पर अभी समझेंगे इसके बारे में। अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया था यहाँ पर कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो लिस्टेड नहीं है 8th शेड्यूल के अंदर में, तो बोडो हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, तो यहाँ पर बोती था यहाँ पर ये बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे क्यों, क्योंकि अभी बोला जा रहा है हिंदी जो है वो एक तरीके से हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर एक डेमोग्राफिक शिफ्ट की वजह से गेन कर रही है। हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट है यहाँ पर, ठीक है, 46% पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम याद रखिएगा, निपुण भारत, ठीक है। तो निपुण भारत जो है ये सेंट्रल के द्वारा लॉन्च किया गया था जुलाई 2021 में। तो एक तरीके से यहाँ पर ये लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी स्कूल में जो बेसिकली नॉन हिंदी बच्चों के लिए भी कैसे चीजें लेकर चलनी है, तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लैंग्वेज के बारे में की जा रही है, तो लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने पहले भी देखा था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया लैंग्वेज के बारे में, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तो ये सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेज थी। तो लैंग्वेज के बारे में आप लोग कई सारे क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया,
कि यूनेस्को के द्वारा तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज से, तो याद रखिएगा ये था बांग्लादेश, ठीक है, जहां से निकल के आया, तो ईपीएफओ में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो लैंग्वेज के बारे में कुछ भी बन जाए तो याद रखिएगा, पहले अगर हिंदी दिवस के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से, तो ये याद रखिएगा हमारी कंट्री में ये है बिहोर राजेंद्र सीमा, ठीक है, तो इनके नाम से हिंदी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14th of September को। तो आर्टिकल 343 यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये एक्सेप्ट करता है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को। ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी आती है वो सारी आप लोगों को, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है याद रखना, पहले 14 थी फिर 22 हो गई, आसाम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। 14 लैंग्वेज थी फिर ऐड की गई सिंधी, 21st क्वेश्चन अमेंडमेंट किया गया 1969 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई, 71st क्वेश्चन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई, 92nd क्वेश्चन अमेंडमेंट किया गया 2013 में। बाकी अगर बात कर ले यहां पर आप लोगों से क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, तो टोटल 4 क्लासिकल लैंग्वेज है, जैसे यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, तो चारों की चारों क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर तमिल पहली बनी 2014 में, 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तमिल 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में, ठीक है। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेज है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आप लोग याद रखिएगा, पार्ट 17 में मेंशन है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक का, ठीक है, 343 से लेके 351 तक का, और ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड देखने को मिल जाएंगी, यानी कि सारी की सारी 8वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी यहां पर, कुछ और बातें एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, कल वो क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, 14th जो सितंबर है यहां पर हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल लेवल पर, 10th जो है यहां पर ये हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं विश्व हिंदू दिवस के तौर पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो सेपरेट डे हो गए, इंटरनेशनल वाला जो डे निकल कर आया वो 21 फरवरी को देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है यहां पर ये बांग्लादेश से निकल कर आया, उनके द्वारा बोला गया बांग्लादेश के अंदर कि वो बांग्ला लैंग्वेज को बेसिकली लेकर चलेंगे, जबकि पाकिस्तान चाहता था वहां पर उर्दू इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो यहां पर ये बात चली, तो यूनेस्को के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया 2000 में, इसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है, तो ये बातें हो गई। आगे चलते हैं यहां पर, जो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं कि कोलोजियम के तहत यहां पर 68 नाम अभी ऐसे हैं जिनको सेंटर ने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है, यानी कि जो जजों का ट्रांसफर हो ये सारी चीजें की जाती है, तो यहां से निकल कर आती है। हमारे संविधान के अंदर दो आर्टिकल है, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजों का अपॉइंटमेंट करना है आर्टिकल 124 और 217 कैसे अपॉइंटमेंट करना है हाईकोर्ट के अंदर में, कोलोजियम सिस्टम यहां पर ये काम करता है। कोलोजियम सिस्टम के बारे में याद रखिएगा, ना तो पार्लियामेंट के अंदर में ये एक्ट बनाकर पास किया गया, ना ही संविधान के अंदर इसके बारे में मेंशन है। पहला जज का केस था अकेले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम किया करते थे, दूसरा जज का केस है यहां पर 1993 में, यहां से कोलोजियम सिस्टम निकल गया सेकंड जज केस से याद रखना, और थर्ड जज केस में यहां पर इसकी इंप्रूवमेंट कर दी, यहां पर 3 मेंबर थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज, और यहां पर 4 मेंबर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 का बना दिया, ये अपॉइंटमेंट करता है, इसको कोलोजियम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का जो काम करता है इसके बारे में कंफ्यूजन मत रखना, ओके। एंटी टैंक मिसाइल के बारे में बात की जा रही है, ये बेसिकली इसके बारे में समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हेलेना के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है, तो नाग एंटी टैंक मिसाइल ऐसी जो मिसाइल होती है बेसिकली, जैसे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फायर एंड फॉरगेट वाली होती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक बार छोड़ दो फिर ये टारगेट को हिट करेंगे, तो ये देखने को मिलेगा, तो ऑल वेदर होती है यहां पर, ठीक है, तो इसके चलते यहां पर अगर कैपेबिलिटी जो होती है इनकी लगभग रेंज होती है ये 500 मीटर तक देखने को मिलेगी, मैक्सिमम जो रेंज है वो 4 किलोमीटर तक जा सकती है। नाक के बारे में बात करें, नाक जो लॉन्च की जाती है लैंड से, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जाए, तो बात की जा रही है बेसिकली नाग मिसाइल कैरियर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया, ये सारे इंपॉर्टेंट जो काम है यहां पर ये है बेसिकली याद रखिएगा, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो है एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा यहां पर बेसिकली स्टार्ट किया गया, तो आगे अपनी कंट्री को हम लोग मिसाइल में सेल्फ सफिशिएंट बना सके, इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यहां पर अप्रूव किया गया था 1983 में और कंप्लीट हुआ 2012 में, तो इसके चलते PATNA, तो यहां पर ये बेसिकली ये 4-5 सूर्य ये आप लोग यहां पर सिस्टम बन गए, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और ये है आकाश। तो जो अग्नि वाली मिसाइल है इसके अंदर 5वें लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा रेंज है 5000 किलोमीटर, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप लोगों को देखने को मिली, ये शॉर्ट रेंज वाली होती है पृथ्वी, अग्नि मैंने बताई थी, त्रिशूल जो होती है शॉर्ट रेंज, और नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, तो ये वाला है यहां पर, तो ये भी इसी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। आकाश है मीडियम रेंज मिसाइल, तो सारी किसके अंदर निकल कर आई, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये निकल कर आई, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं आप लोग को रखना है। आगे बात करते हैं
तालिबान के अंदर काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो काबुल ने काफी बुरी कंडीशन कर रखी है, वुमेन को अलाउ नहीं किया जाएगा एजुकेशन लेने के लिए। तो बेसिकली एक तरीके से कई सारे एरिया में वर्क करने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया अभी यहां पर, उसके लिए भी बोला गया है कि स्टे होम। तो कंडीशन खराब होने वाली है, देखते हैं क्या आगे कंडीशन रहेगी। ठीक है, ये बेसिकली इसका आंसर है। अगर एजिंग के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, यानी कि 2020 से लेके 30 तक का, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो यहां पर है ये आप लोगों को, ये बेसिकली किचन हिल है, ये सॉरी म्यांमार में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो म्यांमार में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है। अच्छा, म्यांमार के बारे में आप लोगों से पूछूं, हमारी कंट्री कितने राज्य टच करते हैं म्यांमार को जरा बताइए, और इसी के साथ में सबसे ज्यादा राज्य का बॉर्डर कौन टच करता है ये बताइए। तो ये था आज का डिस्कशन, फीडबैक देकर जुड़ जाना कैसा लगा, क्योंकि इसके बारे में अगर फीडबैक दोगे तो मुझे अच्छा लगता है, समझ पाते हैं चीजें कि क्या क्या आप लोगों ने सीखा कुछ नया। ठीक है, सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में, वेरिएंट के बारे में, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी काफी डिटेल में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अब नहीं रहेगा। चीफ मिनिस्टर के बारे में जाना क्या क्या चीजें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिली, जो नए चीफ मिनिस्टर आ गए उससे रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट जाना। जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने समझा। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जाना, और यहां पर तीनों एजुकेशन पॉलिसी, और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था सिंपैथी और एम्पैथी ये समझा। डीपीएसपी का मैंने रिवीजन आप लोगों को करा दिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बेसिकली जो बात की फोकस, ये काफी इंपॉर्टेंट था, नेशनल रिसर्च रीजन, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, काफी इंपॉर्टेंट था। यहां पर ट्रिब्यूनल भी समझा हम लोगों ने, बेसिकली फॉरन ट्रिब्यूनल जो है कहां से निकल कर आए। इसी के साथ में एनसीआर भी किया, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। लैंग्वेज के बारे में मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को बता दी, जो भी यहां पर संविधान से रिलेटेड और ये सारी बातें, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए सारी। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सारी बातें कहां से निकल कर आई, क्या कॉन्सेप्ट है ये जाना। ठीक है, और दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो गए, तो कैसा रहा ये डिस्कशन जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो जरूर बताना, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, इकट्ठी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।